क्या है? देखिए मैडम, ये तो तकलीफ हमें आज नहीं, काफी पहले से समझ में है। और जब मैं विधायक हुआ करता हूँ, इनके समस्याओं को लेकर इनके जितने भी धरने हुआ करते थे, हम समझते हैं कि 70% धरने में तो हम शामिल हैं, ठीक। और ये जो विधानसभा में क्वेश्चन रेज करने की बात आती है, उस वक्त आदरणीय रघुवर जी की सरकार थी, और उस वक्त मैं इनकी बातों को प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का काम करता था। मैंने उठाया, और उस वक्त यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हेमंत जी, हमेशा ही कहा करते थे कि ऐसी समस्याओं को हम खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। जो भी ये अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो NRHM कर्मी हो, ANM हो, JNM हो, तो तमाम बहनों की समस्या को निजात कर देंगे। अब तक निजात क्यों नहीं हो पाया, क्या लगता है? ये तो मैडम सरकार की जिम्मेवारी बननी है, इस पर हमारा कोई रोल नहीं है। नहीं तो अगर हमारा होता तो पता नहीं, हम तो यहाँ धरने में बैठने नहीं देते किसी को। मेरा बस चलता तो यहाँ पर जो इतनी बहनें हैं हमारी, अनशनकारी हैं, इन्हें अनशन नहीं करना पड़ता। ये खा पी के मजबूती के साथ अपना ड्यूटी सुनिश्चित करती है। परंतु ये तकलीफ देह है कि आज मैं उस पोजीशन पर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये आंदोलनकारी हैं, मैं इनके आंदोलन को समझता हूँ, चूँकि मैं भी लड़ाई, संघर्ष और आंदोलन को जानता हूँ। मैं इनके साथ हूँ, इनके आंदोलन के साथ हूँ, और आपके माध्यम से आप तमाम मीडिया कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपके माध्यम से हम अपनी बातों को हेमंत जी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय हेमंत जी, आप हमारी, यहाँ की ये जो बहनें हैं, इनकी पीड़ा नहीं, ये हमारी पीड़ा है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा झारखंड, हमारे झारखंड की पीड़ा को समझें, मेरी पीड़ा को समझें, क्योंकि ये मेरी बहनें यहाँ पर अनशन कर रही हैं, मेरी पीड़ा को समझने का काम करें। और अति शीघ्र सारी चीज़ों को छोड़ते हुए कम से कम इनका समस्या को निजात करने का काम करें। कई को हालत बहुत गंभीर बताया जा रहा है, इसमें इसकी जी ये तो तकलीफ है। हमारी बहनें तो मुझे देख कर रो रही हैं, हमें भी रोना आता है कि आज हमारी कौन सी परिस्थिति बन गई है, कौन सी समृद्ध झारखंड की बात हम करते हैं, कौन सी खुशहाल झारखंड की बात करते हैं। हम तो इतने दिनों तक दूसरों को कोसते थे, हेमंत जी जब प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, हेमंत जी हमेशा ही आदरणीय रघुवर जी को कोसते थे, ये हमेशा कहा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा करेंगे काम, वैसा करेंगे काम, किसी को वो तो यह भी कहते थे कि अरे राजभवन हमेशा खाली रहेगा, यहाँ पर एक भी आदमी धरना में नहीं बैठेगा, ऐसा हम काम करेंगे। आज कहाँ चला गया ये, तो ये तकलीफ देह है सर। और हम इनके कार्यों की, कार्यशैली की तीखी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।